लगती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती है। अगर आपको ये लगता है कि महिलाएं सत्ता में आने के बाद सेक्सिज्म और मिसोजिनी से बच जाती हैं, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ राजनीति में महिलाएं यानी उनके कंधे पर देश, राज्य, जिला, दफ्तर, फाइल के अलावा साड़ी के पल्लू, दुपट्टे का बोझ भी डाल दिया जाता है, और अगर नहीं डाला गया तो वो आसानी से घटिया मीम्स और जोक्स और ट्रोल्स के लिए कंटेंट बन जाती हैं, और इन सब के बावजूद भद्दे कमेंट से बच जाने की गारंटी नहीं है, और इस बात की गारंटी देते हैं हमारे नेता। कैसे, सुनिए। 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है, वो फेसियल रोज कराती हैं, बाल काला करवाली हैं। हमारे मोदी जी का तो भाई एक वस्त्र है। ये है विधायक बीजेपी से सुरेंद्र नारायण सिंह, फेशियल और बाल की खाल निकालते हुए नजर आ रहे थे। राजनीति में टिकने के लिए बालों का काला होना नहीं, आपके दिमाग से कालेपन को हटाने की जरूरत है। और अगर आपको मेरी ये बातें भाषण लग रही है तो आपको बता दूं, ये सारी बातें संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। आप किसी के रंग, रूप, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, धर्म, जाति के आधार पर कमेंट नहीं कर सकते। अब मिलिए महेश शर्मा से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, संस्कृति मंत्री हैं, लेकिन वो प्रियंका गांधी के बारे में बोलते हुए अपनी संस्कृति तक भूल बैठे। अब वो पप्पू कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। वो प्रियंका क्या पहले हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? सर, आपको बता दूं, आप जैसे नेता सिर्फ पुरुषों का नहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, देश में आधी आबादी भी है, तो आप इस तरह के बयान से क्या ये बताना चाहते हैं कि हमारी सोच आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ती जा रही है? एक स्त्री का राजनीति में होना क्या आपके लिए एक सहज, सामान्य सी, नॉर्मल सी प्रक्रिया नहीं हो सकती? वैसे आपको बता दूं, महिला नेताओं पर कमेंट को लेकर सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, तकरीबन हर पार्टी के नेता बदजुबानी करते आए हैं। कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने एक बार स्मृति ईरानी पर बेहद ही विवादित टिप्पणी की थी। संजय निरुपम जी ने कमेंट किया था, आप तो टीवी पर ठुमके लगाती थी, आज चुनावी विश्लेषक बन गई। माफी के साथ कहना चाहूंगी सर, आपको तो हम नेता समझते थे लेकिन आपकी भाषा और मानसिकता सड़क पर चलते फिरते कमेंट करने वालों जैसी निकली। बाय द वे, स्मृति ईरानी से तो आपको सीखना चाहिए कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में झंडे गाड़े और राजनीति में भी उतर आई हैं और टक्कर दे रही हैं। वैसे शरद यादव काफी वरिष्ठ नेता हैं, कई पार्टियों के नेता उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन शरद यादव का ये बयान महिलाओं की इज्जत को ध्यान में रखकर बिल्कुल नहीं दिया गया था। चुनावी धारा में बहते हुए वो वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या कुछ नहीं बोल गए। शरद यादव ने कहा था, वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी हैं। सर, वसुंधरा जी का नहीं बता सकती लेकिन हम ऐसे बयानों से थक चुके हैं। आपकी बातें साबित करती हैं कि पुरुष प्रधान राजनीति में महिला होना ही असली लड़ाई है। और ये हैं बीजेपी के नेता विनय कटियार, प्रियंका गांधी की सूरत पर बोल बैठे। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी से भी सुंदर महिलाएं हैं जो कैंपेन कर सकती हैं। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है, उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं। अब वो सुंदरता और लीडरशिप की तुलना कैसे कर रहे हैं ये समझ नहीं आता, या कह लीजिए समझ से बाहर है। हालांकि इस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान बीजेपी की मानसिकता दिखाते हैं। वैसे भारतीय राजनीति की दुनिया आप जैसे नेताओं से डिफाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जैसे लोग हमारे प्रतिनिधि हैं जो महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारा देश संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर 158th पोजीशन पे आता है। चाहे अनचाहे आप समाज में एक कड़वापन भर देते हैं, लेकिन इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने 33% और तृणमूल कांग्रेस ने 41% महिलाओं के लिए कोटा तय किया है। शुक्र है कि इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत में कई वुमेन पॉलिटिशियन हैं जो अभी भी चैंपियन के तौर पर उभर रही हैं, उभर चुकी हैं। वो ऐसी बदजुबानी नहीं, सल्यूट डिजर्व करती हैं।